न्यूज 19 में मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के सुप्रभात राजस्थान की ओर। पाकिस्तान पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ के नए पैंतरे आजमा रहा है। हनीट्रैप जैसी चालों में नाकाम होने के बाद में पाकिस्तान अब व्हाट्सएप यूजर्स को निशाना बना रहा है। इसका सीधा जुड़ाव पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव से भी है। पाकिस्तानी एजेंट्स यूपी पंजाब चुनाव के सब्जेक्ट के साथ कई व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं। पाकिस्तान के इन करतूतों का काला चिट्ठा भी सबके पास में लगभग मौजूद है। सेना की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए सुंदर महिलाओं के प्रोफाइल से हनी ट्रैप की साजिश रचने के बाद अब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी सामने आ चुके हैं। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में राजस्थान के खिलाड़ियों का जादू सिर चढ़ करके बोल रहा है। यहाँ के युवा क्रिकेटरों में खरीदारों ने खूब दिलचस्पी दिखाई है। इसी में जयपुर के अशोक शर्मा का भी नाम शामिल है। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 55 लाख रुपए में खरीदा। अशोक का जन्म जयपुर के रामपुरा गांव में हुआ था, तो अशोक अपनी घातक गेंदबाजी की वजह से पिछले लंबे वक्त से क्रिकेट प्रेमियों के चहेते खिलाड़ी भी बन गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर भले ही पूरे तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। पहली और दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर में भी राजस्थान में ब्लैक फंगस के केस आने लग गए हैं। राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल SMS हॉस्पिटल की नाक, कान, गला, विंग के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में ब्लैक फंगस के 20 केस मिल चुके हैं। राहत की बात तो यह है कि कोई केस क्रिटिकल नहीं है। वर्तमान में यहां 7 मरीज की भर्ती है और 13 मरीजों को छुट्टी दी जा चुकी है। राजस्थान आज से पूरी तरह अनलॉक हो गया है। तीसरी लहर कम होने के बाद में राजस्थान सरकार ने कोरोना को लेकर के लगाई गई सभी पाबंदियों को बुधवार से हटा लिया है। 2 साल बाद ऐसा हुआ है जब प्रदेश भर में 1 से 5 तक के स्कूल के बच्चे के स्कूल आज खुल रहे हैं। स्कूल में ऑफलाइन क्लास के लिए पेरेंट्स की सहमति भी ज़रूरी है। पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ में बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जा सकता। ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन भी रखा होगा। नई गाइडलाइन आज से लागू है, तो वहीं गृह विभाग ने 14 फरवरी को ही गाइडलाइन जारी की थी। क्या आप सोच सकते हैं कि बकरी पालन से कोई करोड़पति हो सकता है? इस सवाल का जवाब है हाँ, और इसे सही करके दिखाया है हनुमानगढ़ के रोणावाली गांव के युवाओं ने। यहां के युवा बकरी पालन से जुड़ करके देश विदेश तक बकरे बकरियां पहुंचा रहे हैं। इस गांव की आबादी 10,000 से अधिक है और अब तक 500 से अधिक युवा इस व्यवसाय से जुड़ चुके हैं। ये युवा सोशल मीडिया के जरिए गांव से 5,000 से भी ज़्यादा बकरियां व बकरे देश के साथ साथ विदेशों तक भेजते हैं और इससे 5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करते हैं। वहाँ ये ब्रीडिंग, फार्मिंग और दूध से व्यापार में काम भी आते हैं। सुप्रभात राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।